हाय, वेलकम बैक टू बासुकस बायोलॉजी चैनल। मासल डॉक्टर फैसल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, गिव लाइक्स, गिव कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। हमने प्रीवियस वीडियोस में पहला हमने देखे थे इम्यून सिस्टम, दूसरा हमने देखे वैक्सीनेशन, तीसरा हमने देखे एंटीबॉडीज और एंटीजन, और फोर्थ वीडियो हमारा था कॉमन डिस्कशन अबाउट द कॉमन ह्यूमन डिसीजेस। वो हमने जनरल डिस्कस किए थे, लेकिन आज हम स्पेसिफिक डिस्कस करने वाले ह्यूमन डिसीजेस के ऊपर। जैसे कि जो भी डिसीज हम पढ़ने वाले हैं, तो हर डिसीज में हम कुछ कॉमन चीजें देखने वाले हैं, हेडिंग्स देखने वाले हैं। जैसे कि द नंबर वन इज नेम ऑफ डिसीज, उसके बाद उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, किसने डिसीज करता है, उसका वेक्टर कौन है, उसके बाद हम देखने वाले उसके साइंस एंड सिम्टम्स। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, देन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, एंड फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ईच एंड एवरी डिसीज। ये सिक्वेंस में हम सब चीजों को देखने वाले। तो आज हम इस वीडियो में जो देखने वाले वो है द टू डिसीज हम देखने वाले। द नंबर वन इज अ मलेरिया एंड सेकेंड इज अमीबियासिस, दो डिसीज हम डिस्कस करने वाले। तो पहला हमारा डिसीज है मलेरिया। सो लेट्स डिस्कस द मलेरिया। द मलेरिया इज नथिंग बट अ वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शियस, मतलब कम्युनिकेबल, एक वेक्टर की मदद से, वेक्टर से ये डिसीज इन्फेक्ट करती है। और ये डिसीज कराने वाला जो ऑर्गेनिज्म है, यानी पैथोजन स्पेशली, दैट इज बिलोंग टू द कैटेगरी प्रोटिस्ट को बिलोंग करता है। एक सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है। द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म इज अ प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से मलेरिया होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम के जो है, तो जनरली हमको चार स्पेसीज देखने को मिलते हैं। द चार स्पेसीज में दैट इज अ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, देन प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फाल्सेपेरम। ये चार स्पेसीज है जहां पर प्लाज्मोडियम हमको मलेरिया या अलग अलग टाइप्स, फोर टाइप्स ऑफ द मलेरिया कॉज करते हैं। जिसके अगर हम कंपेरेटिवली हम देखते हैं, तो इन चारों स्पेसीज में इनका इंक्यूबेशन पीरियड, अब इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं, इन्फेक्शन होने से उसके सिम्टम्स अपीयर होने तक का जो ड्यूरेशन, यानी बॉडी में ये ऑर्गेनिज्म एंटर किया, ओके, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर किया, एंटर होने के बाद से उसके सिम्टम्स अपीयर होने तक का जो ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन को इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। यानी वो अंदर आता है, अपना रिप्रोडक्शन करता है, अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, टारगेट ऑर्गन को जाकर विजिट करता है, और टारगेट ऑर्गन में जब अपना इफेक्ट दिखना शुरू होता है, तब हम उसे कहते हैं दिस इज द इनक्यूबेशन पीरियड। तो यहां पर इन चारों के अलग अलग इनक्यूबेशन पीरियड है। प्लस हम देखते हैं इनका जो पैटर्न ऑफ हाई फीवर, इनका जो फीवर का जो पैटर्न है, कितने घंटों में ये रिपीट होता है, वो भी अलग अलग है। तो लेट्स सी, द नंबर वन इज अ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का है, प्लाज्मोडियम मलेरी का 28 दिन का है, प्लाज्मोडियम ओवेले का 17 दिन का है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम का 12 दिन। अगर हम इन चारों में देखें तो ये सबसे कम दिन में दिखता है, अपीयरेंस इसके सिम्टम दिखने को मिलते हैं। बाद में आगे इनका पैटर्न ऑफ फीवर हम जब देखते हैं, तो द पैटर्न ऑफ फीवर में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का 48 आवर्स का, यानी दो दिन बाद ये रिपीट इंटरवल होता है। देन मलेरिया का, प्लाज्मोडियम मलेरिया का जो है, तो 72 आवर्स, यानी तीन दिन बाद, 3 डेज के बाद अपीयर होता है, इंटरवल रीअपीयर देखने को मिलता है हमको। प्लाज्मोडियम ओवेले और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का सेम है, दैट इज द 48 आवर्स। प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम इज हैविंग द इरेगुलर पैटर्न ऑफ फीवर, जिसमें 22 घंटे, किसी में 23 घंटे, किसी में 48 आवर्स तक का भी डिफरेंस है। सो इसका एक तो इंक्यूबेशन पीरियड भी कम है, और पैटर्न ऑफ फीवर इज विद इरेगुलर इंटरवल भी देखने को मिलता है। सो जितने स्पेसीज हम देख रहे हैं, इन चारों स्पेसीज में द प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम इज वन ऑफ द सीरियस इलनेस कॉजिंग पैथोजन, ये सबसे ज्यादा सीरियस फैटल डिसीज, मलेरियल डिसीज कॉज करता है, बाकी तीन से इतने सीरियस नहीं होते हैं। इसलिए द प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम इज वन ऑफ द सीरियस मलेरिया कॉजिंग पैथोजन। देन द मोड्स ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स, अब यहां पर हम देखेंगे कि अगर किसी को मलेरिया हुआ है, कैसे बताएंगे, कैसे पता चलेगा, तो कुछ उसके साइंस है,
कुछ सिम्टम्स है जो अधिकतर हम कहते हैं। पहले तो जो मलेरियल सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं वो होते हैं आफ्टर 7 to 15 days, यानी एक हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के बाद। जब एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो हमको बाइट करता है तो बाइट करने के बाद हमको 1 हफ्ता यानी 7 दिन, वीक से 2 वीक्स में हमको उसके सिम्टम देखना शुरू होते हैं। पहले इनिशियल सिम्टम्स में हमको देखने को मिलता है एक तो फीवर का आना, बाद में सर दर्द देना और सर्दी होना, कप कप आना, से चील्स होना। ये सिम्टम्स जनरली दीज आर द कॉमन सिम्टम, कोई और डिसीज भी हो सकता है। सो इट्स नॉट इजी टू डिक्लेयर, या कह नहीं सकते कि मलेरिया की वजह से हो रहा है। लेकिन जो क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं, द क्लासिकल सिम्टम्स जैसे कि ये साइक्लिक ऑकरेंस होता है, मतलब एक सीक्वेंस में ये रिपीट होते रहते हैं। पहले बहुत तेज टेम्परेचर का आना, फीवर का आना, बहुत तेज बुखार आने के बाद फिर अचानक से उसको पसीना छूटाना शुरू होता, पसीना छूटने के बाद उसको सडनली वहां पर शिवरिंग यानी सर्दी होना शुरू होती, आंख कप कपाना शुरू करता है। तो क्या हुआ, पहले टेम्परेचर आया, फिर पसीना आया और फिर सडन शिवरिंग, ये एक साइकिल हुआ। ऐसा ही साइकिल फिर रिपीट होता है, यानी ये एक साइकिल 4 से 6 घंटे तक चलता है, 4 से 6 घंटे तक ये साइकिल चलता है, उसके बाद फिर रिपीट होता है। तो हर 2 से 3 दिन को ये साइकिल रिपीट होती है। ये है क्लासिकल सिम्टम्स। बाद में कुछ और सिम्टम भी हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि वोमिटिंग का होना, कन्वल्जन्स। कन्वल्जन्स क्या है कि यहाँ पर बॉडी के मसल रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना शुरू करते, जिसे हम कहते हैं कि झटके आना, ये कन्वल्जन्स हो गए। देन अर्थलैचिया, एक ऐसा जहां पर जॉइंट्स में पेन होना शुरू होता है, और जो कि आरबीसी को भी टारगेट करते, इफेक्ट करते, तो आरबीसी की रप्चरिंग होती है। आरबीसी रप्चर होना मतलब एनीमिया, यानी लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन, नुकसान हो रहा है। ये हीमोग्लोबिन एक्सेस, ब्रेक किया हुआ हीमोग्लोबिन जब बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ अ यूरिन, यूरिन का भी कलर चेंज हो जाता है, तो उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया कंडीशन, यानी द हीमोग्लोबिन इज ऑब्जर्व इन अ यूरिन। एंड ऑल्सो ये लीवर को टारगेट करते हैं पैथोजन, इसलिए यहाँ पर हिपेटोमेगैले, यानी साइज ऑफ द लीवर गेट्स एनलार्ज्ड, साइज बढ़ जाता है। ये भी सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। देन सीवियरिटी में कुछ पेशेंट्स के अंदर ये रेटिनल डैमेज भी करता है। रेटिना किसे कहते हैं, ऑलरेडी हमने हमारा नर्व सिस्टम के वीडियो के अंदर देखा हुआ है हमने, सेंसरी ऑर्गन ह्यूमन आई के ऊपर, जिसमें ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ द 3 लेयर्स। पहली लेयर का नाम है स्क्लेरा, मिडल लेयर का नाम कोराइड है, और तीसरी और थर्ड लेयर होती है रेटिना। ये रेटिना के ऊपर इंफेक्शन करता है, इसके वजह से यहाँ पर काफी डैमेज होता है रेटिना। देन सिवियरिटी में कुछ पेशेंट में देखा गया कि ये पैथोजन यानी प्लाज्मोडियम, इवन इट मे रीच अप टू द नर्वस सिस्टम तक भी चला जाता है, जहां पर जाने के बाद उस पेशेंट के अंदर ये काफी स्वेलिंग कराता है नर्वस सिस्टम में, इसलिए इसे सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं। सो दिस आर ऑल द सिम्टम्स, दिस आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट विच इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम स्पेसिस। देन मोड्स ऑफ द ट्रांसमिशन, अलग अलग अंदाज है ट्रांसमिट होता है। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में हम देखेंगे कि कैसा एंटर होता है, इंफेक्शन कैसा करता है, बॉडी के किस ऑर्गन को विजिट करता है, वहां पर क्या मल्टीप्लिकेशन करता है, फिर वहां से किसी दूसरे ऑर्गन को जाता है, फिर वहां क्या मल्टीप्लिकेशन करता है। तो जनरली द मलेरिया इट इज ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ द वेक्टर, हमको पता है वेक्टर का नाम है मॉस्किटो, लेकिन मॉस्किटो भी कौन सा है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। याद रखना यहाँ पर फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ही इस पैरासाइट को ट्रांसमिट करती है। मेल एनाफिलस मॉस्किटो नेवर बाइट्स द ह्यूमन बॉडी टू सक द ब्लड, यानी ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड है वो फीमेल मॉस्किटो ही सक करती है। मेल मॉस्किटो फूलों के और पत्तों के ऊपर का जो जूस होता है वो उसी को पीते हैं। ओके, और दूसरा आइडेंटिफिकेशन, उनका बॉडी का मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस भी थोड़ा अलग होता है। मेल का बुशी स्ट्रक्चरस होता है फ्रंट में, और फीमेल में कम होता है। ये एक है, तो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो से इन्फेक्शन एक इन्फेक्टेड से हेल्दी को आता है। चलिए, अगर एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसके बॉडी में ऑलरेडी इन्फेक्शन वाला पैरासाइट है, अगर ऐसा मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन के बॉडी पर आकर बैठता है और उसको ब्लड सक करने के लिए बाइट करता है, जैसे ही वो बाइट करेगा, जैसे कि यहाँ आया देखिए बाइट करेगा, तो बाइट जब करता है तो उस मॉस्किटो के अंदर से वो जो पैरासाइट का स्टेज है, स्पोरोजाइटिक स्टेज, वो उसके ब्लड में
छोड़ दिया जाता है ह्यूमन बॉडी में, हेल्दी पर्सन के ब्लड में रिलीज किया गया। जैसी ब्लड में रिलीज किया जाता है तो रिलीज करने के बाद वो स्पोरोसाइट उस ह्यूमन के ब्लड के सर्कुलेशन में सर्कुलेट करता है, और सर्कुलेट करने के बाद सबसे पहले वो विजिट करते हैं लीवर को। ओके, दे विजिट टू द लीवर। लीवर को विजिट करने के बाद लीवर के अंदर दे गो एंड रिप्रोड्यूस असेक्चुअली। देखो स्पोरोसाइट क्या हो गया, जैसे लीवर में चले जाते हैं, लीवर के अंदर जाने के बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, एक बाइनरी फ्यूजन सेल डिवीजन है, सिंपल डिवीजन से मल्टीप्लाई करते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड, और दिस स्टेज इज कॉल्ड द शाइजोंट। ये शाइजोंट साइजोगैमी में ये मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होते हैं, और बहुत ज्यादा जब इनके मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, वो सेल को ये बस्ट करते हैं और बस्ट कर वहां से बाहर निकलते हैं। जैसे यू कैन सी बाहर जब निकलते हैं तो वो जो निकलते हैं वो होते हैं मेरोसाइट्स। ये मेरोसाइट्स बाहर निकलकर दे गो एंड दे विजिट अब ब्लड सर्कुलेशन में निकल रहे, फिर से ब्लड में सर्कुलेट जब करते हैं तो उसमें जो प्रेजेंट आरबीसीज है ये आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं। पहले लीवर को किए, अब आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं। आरबीसी के ऊपर इन्फेक्ट करने के बाद वहां पर वो फिर आरबीसी में एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद फिर वहां पर एक रिंग जैसा स्वेलिंग अपेयरेंस बनता है, जैसे होता है ना एक साइड में रिंग स्वेलन होता है, वैसे यह डेंस साइटोप्लाज्म का अपेयरेंस होता है। यहां पर ये फिर से अपने आप को हम मल्टीप्लाई करते हैं और वहां पर एक ट्रोफोजाइट कंडीशन, यानी देखो पहला हुआ आया तो स्पोरोजाइट था, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन कर बाहर निकला तो मेरोजाइट हुआ, अब यहां पर निकलता है ट्रोफोजाइट फॉर्म में। यहां पर ट्रोफोजाइट फॉर्म में ये बाहर निकलता है और यहीं से कुछ गैमेट्स फॉर्म कर कुछ सेल्स गैमेटोसाइटिक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। कुछ सेल्स दे बिकम द स्मॉल एंड लार्ज, एक छोटी और एक बड़ी, एक माइक्रो और एक मेगा, ऐसे दो सेल बनते हैं, दोनों गैमेट कहलाते हैं। दिस बिकम द माइक्रोगैमेट एंड अ मैक्रोगैमेट। ओके, ये हो गया गैमेट मेल एंड फीमेल का हुआ। लेकिन बचे हुए जो होते हैं अगेन दे अंडर गो द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, वहां पर अगेन दे मल्टीप्लाई, फिर से वो मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स वहां बनते हैं, फिर वो सेल आरबीसी को डिस्ट्रक्ट करते, फट कर बाहर निकलते हैं, आरबीसी को फाड़ कर बाहर निकले, फिर मेरोसाइट बन। अब ये निकले हुए मेरोसाइट फिर ब्लड के साथ सर्कुलेट करते और नए हेल्दी आरबीसी को इन्फेक्ट करते। तो क्या हो रहा है, कुछ मल्टीप्लाई करते जा रहे और कुछ निकल कर गैमेट में फॉर्म है। अभी जो गैमेट तैयार हो गए, अगर ये गैमेट वाले फॉर्म के जो सेल्स है जिसे हम गैमेटोसाइट कहते हैं, अगर कोई फीमेल एनाफिलस जो अनइन्फेक्टेड है, जिसके अंदर कोई पैरासाइट नहीं है, अगर ऐसा मॉस्किटो ऐसे इंडिविजुअल का ब्लड बाइट कर सक करता है, और सक करने में अगर ये गैमेटोसाइट उस मच्छर के उस मॉस्किटो के अंदर आ गया, तब यहां पर लाइफ स्टेज जो होता है वो आया मॉस्किटो के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। अब यहां पर क्या किया जाता है कि ये जो गैमेटोसाइट इस मॉस्किटो के अंदर आ गए, ये डिफरेंशिएट होते हैं मेल और फीमेल गैमेट में, फिर गैमेट दोनों गैमेट मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है मॉस्किटो के अंदर इन द गट लाइनिंग, उसके गट लाइनिंग के अंदर फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद जायगोट का फॉर्मेशन किया जाता है, यही जायगोट एक ओकाइनेट स्टेज में डेवलप होता है, बाद में ओकाइनेट अपने सराउंडिंग में एक कवर तैयार करता है जिसे सिस्टिक कवरिंग कहते हैं, और ये बन जाता है ओसिस्ट। बाद में यही ओसिस्ट उस मॉस्किटो के गट लाइनिंग में बस्ट होता है, अंदर से कई सेल्स मल्टीप्लीकेशन होते हैं उसी के अंदर, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो बस्ट होता था वहां से छोटे छोटे फिर निकलते अगेन द स्पोरोसाइट। अब ये स्पोरोसाइट यहां से निकलते उस मॉस्किटो के गट लाइनिंग से निकलकर वो आते उसके सलाइवरी ग्लैंड के पास, सलाइवरी ग्लैंड के पास आते और वो तैयार होते अब नए इंडिविजुअल को इन्फेक्शन करने। यानी ये मॉस्किटो जब भी किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को जाकर बाइट करेगा, खून पीने के लिए सक करने के लिए उसको बाइट करेगा, तो वो उसके साथ उसके ब्लड में रिलीज किए जाएंगे, अगेन द साइकिल इज रिपीटेड। तो इस तरीके से यहां पर मलेरियल डिसीज जो तो ट्रांसमिट होते जाती है। देन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जैसे कि हम कह रहे हैं कि कुछ सिम्टम्स हमको दिख रहे हैं, टेम्परेचर का आना, स्वेटिंग होना, बाद में शिवरिंग होना, सडन होना, ये साइक्लिक चेंज हो रहा है, लेकिन इट कैन बी द कोई और दूसरी डिसीज भी हो सकती है, इसलिए हमको डायग्नोस करना पड़ेगा। डायग्नोस करना मतलब हमको कंफर्म करना पड़ेगा कि ये मलेरिया है। डायग्नोस करने के लिए कुछ टेस्ट करना पड़ते हैं, और टेस्ट करने के बाद अगर फाइनल कंफर्म हो गया कि हाँ ये प्लाज्मोडियम के किसी एक स्पीसीज से डिसीज हो गई है, तब हमको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो दो चीजें हम देखने वाले, एक है डायग्नोसिस, दूसरा है
ट्रीटमेंट। सो लेट्स सी, डायग्नोसिस करना है मलेरिया तो डायग्नोस करने के लिए हम करते हैं द माइक्रोस्कोपिक स्टडी यूज करते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी के अंदर उस पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया जाएगा, ब्लड सैंपल को स्लाइड पर ड्रॉप को डालकर उसको स्प्रेड किया जाता और माइक्रोस्कोपिक फील्ड में उसको स्टडी किया जाता, उसके सेल्स को स्टडी किया जाता। दूसरा एक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेक्निक, जिसमें जैसे कि पीसीआर मशीन में डीएनए के कॉपीज को एम्पलीफाई किया जाता, मल्टीप्लाई किया जाता, वैसे यहां पर ये रैपिड टेक्निक को यूज किया जाता। फाइनली दोनों कोई भी टेस्ट को यूज कर डायग्नोस किया कि यहाँ पेशेंट इस द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया, तब उसको ट्रीटमेंट लिया जाता। मलेरियल ट्रीटमेंट करने के लिए आर्टिमिसिनिन नाम का एक ड्रग है जिसके सब डेरिवेटिव्स को भी यूज किया जाता है, इनके कंबाइन थेरेपी जिसे कहते हैं, सबको मिलाकर एक थेरेपी बनती है जिसे एक्ट कहते हैं। WHO ने 5 अलग अलग कंबाइंड थेरेपी जो आर्टिमिसिनिन के अंदर बनाए हुए दिए है, जिसमें से द नंबर 1 इज आर्टिसोनेट, दूसरा है सल्फाडाइक्सिन एंड उसी के साथ कॉम्बिनेशन में पारिमिथेमाइन भी यूज किया जाता है, प्लस कुछ जो तो क्यूनेन भी यूज करते हैं। ये सारे ड्रग्स है जो यूज किया जाता है उस पर्सन को जो मलेरियल कंफर्म मलेरिया से सफर कर रहा है। ओके, ये होगा यहाँ पर ट्रीटमेंट। लेकिन क्या ही बेहतर होगा अगर हम इस बीमारी के होने से बचे, दैट इज कॉल्ड द प्रिवेंशन, बचना, अगर बचना है और इनके फैलने से कंट्रोल करना है तो दिस इज कॉल्ड द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन में पहले तो हमको बचना है मॉस्किटो बाइट से, मच्छर के काट, अब हमको पता नहीं वो मेल है क्या फीमेल है, दूसरा हमको पता नहीं है कि वो एनाफिलस है या कोई और दूसरा मॉस्किटो की कैटेगरी का है, इसलिए सबसे पहले हमको बचना है मॉस्किटो से, काटने से बचना है, तो वी हैव टू यूज द मॉस्किटो नेट्स। दूसरा वी हैव टू यूज द इंसेक्ट रिपेलेंट, अब इंसेक्ट में सिर्फ मॉस्किटो नहीं है, बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, तो इंसेक्ट रिपेलेंट में हम देखते हैं कि बहुत सारे कॉइल्स है, स्टिक्स है, पेपर्स है, बाद में फैब्रिक्स पर लगाने, कपड़ों पर लगाने के लिए और बॉडी पर लगाने वाले ऑइंटमेंट्स भी अवेलेबल है जो यहाँ पर यूज किए जाते हैं। देन नेक्स्ट इज स्प्रेइंग द इंसेक्टिसाइड्स, अलग अलग इंसेक्टिसाइड मतलब कीड़ों को मारने, कोई भी मॉस्किटो भी हो सकता है, दूसरे भी हो सकता है, उनको स्प्रे किया जाता। बाद में ऐसी जगह जहां पर फीमेल अंडे देती है, अंडों से निकलने वाले उसके जो बच्चे होते हैं, या लार्वा है, देखिए बच्चे मॉस्किटो के लार्वल स्टेज है, तो ऐसी जगह जहां ऐसा पानी, ठहरा हुआ पानी जिसमें मॉस्किटो अपने अंडे दे रही है या फिर वहां उसके बच्चे लार्वल स्टेज में होते हैं, ये पानी को यहाँ पर एक तो साफ कर लेना चाहिए, अगर कोई बर्तन में है या कंटेनर में है तो उसको ड्रेन आउट कर देना है, फेंक देना चाहिए, ताकि इनके बच्चे ही ना बढ़े और मॉस्किटो का स्प्रेड, प्लाज्मोडियम को पहचान स्प्रेड कराने का जो प्रोसेस है वो ना। नेक्स्ट इज द बायो कंट्रोल मेथड। बायो कंट्रोल में कहते हैं कि एक बायोलॉजिकल एजेंट से दूसरे बायोलॉजिकल फैक्टर को कंट्रोल करना, उसे कहते हैं बायो कंट्रोल, जानदार से एक जानदार को कंट्रोल करना। ओके, सो जिसके अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि गैम्बुजिया फिश को यूज किया जाता है मॉस्किटो के लार्वी को कंट्रोल, क्योंकि गैम्बुजिया फिश इस मॉस्किटो लार्वी को खाती है, उसका फेवरेट फूड होता है, तो ऑटोमेटिकली मॉस्किटो की जो ग्रोथ होती है वो फीमेल एनोफिलस के अंडों से निकले हुए जो लार्वल होते हैं वो बढ़ते नहीं, ये खत्म कर देती है, ये करने का कंट्रोल करने का बेस्ट आइडिया। देन सेकेंड डिसीज दैट इज अमीबियासिस। अमीबियासिस इज वन ऑफ द कॉमनली नोन एज अमीबिक डिसेंट्री, याद रखो यहां पर डिसेंट्री वर्ड यूज किया गया है, अमीबा के वजह से होने वाली डिसेंट्री। डिसेंट्री कहते हैं जैसे कि हम लूज मोशन, डायरिया, लेकिन इसमें क्या होता है कि ब्लड बाहर निकलता है साथ में, लूज स्टूल के साथ ब्लड जब बाहर निकलता है जब उसके लिए डिसेंट्री वर्ड यूज किया जाता। सो इट इज वन ऑफ द कॉमन इन्फेक्शन जो हमको इंडिया के 15% लोगों में देखने को मिलता है। इट स्टार्ट फ्रॉम द कैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यानी पेट से लेकर इंटेस्टाइन के अंदर की जो लाइनिंग है, ट्रैक्ट है, ये उसमें इन्फेक्शन देखने को मिलता है। देन ये जो डिसीज अमीबियासिस है, ये करने वाला जो पैथोजन है ये भी पैरा प्रोटिस्टा को बिलोंग करता है और इसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलेटिका, ये है एंटामीबा हिस्टोलेटिका जिसकी वजह से ये डिसीज होती है। देन इसके भी साइंस और सिम्टम्स है, इसके साइंस और सिम्टम ये है कि पहले तो डायरिया होना, डायरिया किसे कहते हैं, बॉडी से वाटर स्टूल और वाटर और पूरे जो होते मिनरल्स का बाहर निकलना, फ्लैटुलेंस मतलब गैसेस का फॉर्म होना और गैसेस का रिलीज होना,
बाद में अंडाइजेस्टेड फूड के साथ चिपचिपा पानी, म्यूकस का निकलना, पेट में एब्डोमिनल क्रैम्प आना, पेट में दर्द होना, ये कॉमन सिम्टम्स है। बाद में अनडाइजेस्टेड फूड के साथ एनस से ब्लड का बाहर निकलना, ये एक सीवियर केसेस में हमको देखने को मिलता है कि उसके साथ बहुत ज्यादा ब्लड बाहर निकलना है। जैसे कि ये पैरासाइट जब लीवर को विजिट करता है या लीवर को इन्फेक्ट करता है तो यहाँ पर लीवर का भी साइज बढ़ता है, जिसे हम कहते हैं हेपेटोमेगाले। लीवर के अंदर ये पस डेवलप करता है, स्वेलन होता है, वो लीवर का हिस्सा जहां पर इंफेक्शन हुआ वो थोड़ा स्वेलिंग दिखती है, पस फॉर्म करता है, जिसे हम कहते हैं एब्सेस, लीवर एब्सेस होता है। और ऐसे पर्सन में उसको, उस पेशेंट में फिर टेम्परेचर फीवर आना शुरू होता है और राइट साइड में उसको दर्द होना शुरू होता है। देन द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, ये अमीबियासिस स्प्रेड कराने वाला जो एंटामीबा हिस्टोलेटिका, ये कैसा ट्रांसमिट होता है? ट्रांसमिट होने का सबसे फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट रूट इज अ फीकल ओरल रूट। फीकल कहते हैं अंडाइजेस्टेड फूड का निकलना, बाद में ओरल कहते हैं मुंह को, यानी ये इसने अंडाइजेस्टेड फूड को रिलीज किया। अगर ये वो हाथ जिसने से वॉश किया, अगर वही हाथ से अगर ये खाना खा रहा है तो डेफिनेटली ये दोनों रूट का मीडियम यहां पर है, ये एक रास्ता है यहां से और यहां से स्प्रेड होने का। यहां से अगर कंटेमिनेटेड वाटर में चला गया, किसी के साथ अगर वो फूड खाने में आ गया या वाटर पीने में आया, या फिर वो कंटेमिनेटेड हाथ है जिसे हम कहते हैं कि गंदे हाथों से, गंदे हाथ से का मीनिंग मतलब ये होता है कि उसके नेल्स बड़े हैं, नेल्स के अंदर पार्टिकल्स में छोटे छोटे अगर इसके स्पोर्स प्रेजेंट है पैरासाइट के, अगर वो फूड कुक करने वाला है या होटल में काम करने वाला है या फिर कोई कुक है या घर में कोई सर्वेंट है, अगर वो इन्फेक्टेड है और उसके नेल्स में प्रेजेंट है, अगर वही फूड या वो वाटर हम पी लेते हैं या खा लेते हैं तब यहाँ पर हमको इन्फेक्शन होगा। देन कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, जो कि ऑलरेडी हमने बताया कि कंटेमिनेटेड वाटर है, कुछ जैसे कि हम देखते हैं कि विलेज एरियाज में वाटर बॉडीज है, अगर वहां पर सराउंडिंग के कोई फार्म है या वहां पर किसी ने अगर इन्फेक्टेड पर्सन ने अगर डिफिकेशन किया, अगर वही वॉश कर पानी अगर इसमें आ गया और वो पैरासाइट अगर इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी वाटर इज कंटेमिनेटेड, अगर वो कोई पानी पीता है तो वो भी उसको स्प्रेड करेगा, यानी ट्रांसमिट करेगा। ये यहाँ पर अमीबा का जो स्टेज है कि बॉडी में एंटर करने के बाद वो कैसा मल्टीप्लाई करता है, कैसा सिस्टिक फॉर्म करता है और बाद में वो रिलीज किया जाता है, वही पार्टिकल सिस्टिक फॉर्म में हो या एनसिस्टेड कंडीशन में हो, अगर बॉडी में एंटर करता है तो इट इफेक्ट्स द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में, जो तो मल्टीप्लाई करता है। तो ये हुआ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। देन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, अगर हमको सेम सिम्टम दिखते हैं, पेट में दर्द हो रहा है, बाद में वोमिटिंग का होना, दूसरा जो है तो बॉडी में कई चेंजेस देखने को मिले, तो इसका मतलब वो अमीबियासिस नहीं और कोई और भी हो सकती है, इसलिए हमको डायग्नोस करना पड़ेगा। डायग्नोस में कंफर्म जब होता है तब जाकर हम ट्रीटमेंट करते हैं, सही ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहला डायग्नोसिस के लिए भी यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता, और एग्जामिनेशन करने के लिए उस पेशेंट का स्टूल सैंपल, स्टूल कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड जो एनस से बाहर निकला, उस सैंपल को ले आकर लेबोरेटरी में स्टडी किया जाएगा, माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया जाएगा। अगर कंफर्म होता है तब यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाएगा मेट्रोनिडाजोल एंड टिनिडाजोल, ये दोनों यूज किए जाते हैं। दीज आर वन ऑफ द बेस्ट इफेक्टिव ड्रग्स जो कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका को ट्रैक से भी निकालते हैं और जहां पर भी बॉडी के टिश्यूज में प्रेजेंट है वहां से ये इरेडिकेट करने में काफी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है। देन द फाइनली द प्रिवेंशन इज एंड कंट्रोल, कि इस बीमारी से होने से बचना। ट्रीटमेंट तो ठीक है, लेकिन अगर क्या ही अच्छा होगा कि हम इसके होने से इससे बचे, तो पहला है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले हमने टॉयलेट यूज करने के बाद, और अगर बेबीज के डायपर चेंज किए तो उसके दोनों के बाद आप जो तो वॉश योर हैंड्स विद अ सोप एंड विद अ हॉट वाटर से वॉश करना चाहिए, ये बेस्ट टेक्निक है। आप इन्फेक्टेड हो या मत हो, बट दिस इज वन ऑफ द हाइजीनिक हैबिट, ये होना चाहिए। दूसरा है हमेशा पानी को गर्म कर पीना, उबाल कर ठंडा कर पीना। दूसरा है वहां पर अगर नहीं कर सकते तो क्लोरिनेटेड वाटर एंड फिल्टर वाटर को यूज करिए, जैसे कि आप क्लोरिनेटेड वाटर, आपको पता है जो टैप वाटर होता है वो क्लोरिनेटेड है। देन नेक्स्ट है अवॉइड ईटिंग द अनहाइजीनिक फूड। अनहाइजीनिक क्यों कह रहा है कि ये जो फूड स्टफ है रोड साइड्स पर होते हैं, तो जनरली हमको पता नहीं है कि वो पकाने वाला जो कुक करने वाला वो हेल्दी है या नहीं है, या वो जो वाटर यूज कर रहे हैं वो हाइजीनिक वाटर है या नहीं है, या ये काफी दिनों का फ्रेश है या पता नहीं है, तो दैट्स व्हाई दिस इज अनहाइजीनिक फूड को खाने से हमने
बचना चाहिए। देन जो वेजिटेबल्स हम लाते हैं, अक्सर वेजिटेबल फार्म लैंड में होते हैं, और वी नो दैट विलेजेस में अक्सर ड्यू टू द ओपन स्पेस दे डिंट गो टू द टॉयलेट, दे गो फॉर ओपन स्पेस, फार्म हाउस में जाते हैं, फार्म लैंड में बैठते हैं, डिफिकेशन वहां करते हैं, या फिर वाटर बॉडीज आसपास होते हैं जहाँ फार्म हो, तो उन सब्जियों पर भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन के सिस्ट या पैरासाइट प्रेजेंट होगा तो उसको वॉश करने से वो रिमूव हो सकता है। अच्छे से वॉश करना और अच्छे से उसे कुक करना, ये पकाना, ये जरूरी होता है। सो दिस आर द इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस। एंड द लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट देयर शुड बी द प्रॉपर सैनिटरी फैसिलिटीज, यानी जो भी डिफिकेशन करना है ओपन स्पेस में करने के बजाय वहां पर प्रॉपर फैसिलिटीज चाहिए, और यहाँ का जो भी स्वेज होता है इसको प्रॉपर डिस्पोज करना, यानी सही जगह पर सही वाटर बॉडीज में इसको रिलीज किया जाए, ताकि जो वाटर बॉडीज जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए होते हैं उससे ये दूर हो, उनसे इसका कोई कनेक्शन ना हो, तो ही हम इस डिसीज को बढ़ने से या इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टू डिसीजेस, मलेरिया एंड अमीबियासिस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, गिव लाइक्स, गिव कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकॉन।